तो ये वाली वीडियो थी, उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, मैं बताता हूँ पीके हल्का सा। कोई काम नहीं समझ में आता है, तो जब इतने सारे काम पड़े होते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है कि जब जैसे हम लोग एक काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारा काम याद आ जाता है। तो ये रहा मेरा कपड़ा, इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं। गाइस कपड़ा धोते वक्त ना एक बार जरूर अपना अपना कपड़ा चेक कर लिया करें, कभी कभी ऐसा होता है ना कि 20-50-100 रुपए के जो नोट होते हैं वो कभी कभी जेब में ही छुप जाते हैं, तो जब धुला जाता है कपड़ा तब जाकर पता चलता है कि ये तो भीग चुका है। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो ऐसा कभी मत कीजिए, कभी भी एक बार कपड़ा धुलने जाएँ तो एक बार जरूर चेक कर ले हर पैकेट, तो क्या पता कभी आपकी किस्मत बढ़िया हो तो 500 या 100 रुपये आपको मिल जाए, आपके हाथ लग जाए। तो यहाँ धुल रहे हैं मेरे कपड़े और अभी जाएंगे इसे छत पे सुखाने के लिए। गाइस मेरा जो ट्राइपॉड है ना, ट्राइपॉड ये वाला पार्ट ये हल्का सा टूट गया है, तो मेरा जो मोबाइल है इस पर स्टैंड नहीं हो पा रहा है, जब भी स्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये फिसल जा रहा है, तो बेकार लगभग बेकार ही हो चुका है ये। तब तक मैं शूट करता हूँ इससे अपने सेल्फी स्टिक से। तो गाइस होता क्या है ना कि हम इंडियंस थोड़े जुगाड़ू होते हैं, तो अभी मेरा जो ट्राइपॉड टूट गया था और मेरे पास था सेल्फी स्टिक, तो सेल्फी स्टिक स्टैंड हो नहीं पाता, ट्राइपॉड स्टैंड हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि किसी न किसी जुगाड़ू तरीके से अपने सेल्फी स्टिक को अपने ट्राइपॉड में बांध दिया है एकदम कस के, और ट्राइपॉड की मदद से खड़ा कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं इसे खड़ा करने जा रहा हूँ, ये रहा। एक बात और गाइस, मैंने एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि देखा जाए तो अभी हम लोग हैं लोग मिडिल क्लास लोग, ठीक है, तो अभी कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। तो मुझे लगा मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। जो मेरा कॉस्मेटिक का दुकान है, तो मेरे कई सारे कस्टमर ऐसे को बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि भैया मुझे सामान लेना है। मुझे लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी सुबह में 2 घंटे के लिए जाके उन्हें सामान दे आ रहा हूँ अपनी दुकान से, और उनकी भी हेल्प हो जा रही है और मेरी भी हेल्प हो जा रही है। थोड़ा सा सीन मैंने रिकॉर्ड किया है अपनी दुकान पे का, तो दुकान जाने का, तो आप लोग पहले वो थोड़ा सा देख लो। तो गाइस अभी मुझे दुकान पे जाना पड़ रहा है क्योंकि जो कस्टमर है उनको सामान देना भी जरूरी है, क्योंकि वो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनके पेट का सवाल है। तो मैं अपने दुकान पे आया हूँ, तो मेरे दुकान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा गर्दा बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो चुका था। तो अभी मेरे अब्बू जो है मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी मेहनत को देख के अपने को भी मतलब होता है कि यार सच में हौसला बुलंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हो चुका है मेरा कपड़ा धुलाई, और अब जाते हैं छत पे इसे सुखाने के लिए, सुखाने के वास्ते। इतना प्यारा मौसम है, टाइम लैप्स लेना तो बनता था। इसका नाम है लाल परी और मैं अपने राइडिंग को बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे राइडिंग बोले तो अभी बाइक चलाए हुए मुझे लगभग 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं। बता दूँ कि मुझे राइडिंग करना बहुत पसंद है, इंशाल्लाह कभी ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन हम लॉन्ग राइड करने जाएंगे। और इसे जा रहा हूँ स्टार्ट करने, क्योंकि गाड़ी को कभी भी हफ्ते या 4 या 5 दिन में स्टार्ट करते रहना चाहिए, अगर वो गाड़ी ऐसी ही पड़ी है तो थोड़ा सा फील ले रहे हैं फील।
भाई बैठ के ही बहुत मजा आ रहा है क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा दिन हो गया मुझे गाड़ी चलाए। आज हम ट्राई करने वाले हैं डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए, यस। और आप लोगों को दिखाएंगे भी कैसे बनती है। मेरे मन में अभी ख्याल आया कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये हम लोग जो घर में बैठे हुए हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें इससे, मतलब कोई ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए हमेशा, जिससे हमेशा हर रोज़ नए नए सीखने को मिलती है। मुझे बनानी है डालगोना कॉफ़ी, तो डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए क्या क्या सामान का ज़रूरत पड़ता है वो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो बात कर जाएंगे मार्केट में से सामान लेकर आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो पहले देख लेते हैं घर पे है या नहीं है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी आइस क्यूब की, जो कि फ्रीजर में हमें जमानी पड़ेगी। तो निकल बे, अरे बाप रे बाप रे, इतना टाइट। गाइस आप देख सकते हो आइस क्यूब हमारा रेडी है। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक नेस्ले की कॉफ़ी की और दूध की। दूध तो खैर है ही हमारे घर में, और नेस्ले की कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो देख लेते हैं वो है कि नहीं, अगर नहीं होगी तो मार्केट से लानी पड़ेगी फिर। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है घर पे। अब प्रॉब्लम आ गई, मुझे जाना पड़ेगा अब एक घंटे बाद मार्केट। यही शाम होता है, जैसे हम लोग अफ्तारी कर लेंगे तो उसके बाद मैं ट्राई करूँगा डालगोना कॉफ़ी बनाने का, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आप लोग डिजिटली मेरे साथ टेस्ट ले लेना। तो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी अपने कॉफ़ी लेने के लिए, रास्ते में हूँ। तो गाइज ये हमारे तमकुई रोड का नज़ारा है, सारी सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। और ये हमारे तमकुई रोड का ओजोन मॉल, जो कि ये भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ हमारे फ्रेंड है, और क्या है दोस्त, नेस्ले वाला कॉफ़ी दो पीस और बिस्कुट निकाल देना, गुड्डे 10 वाला निकाल देना 2 पीस। ये सब आप लोग के लिए कर रहे हैं दोस्त। अब तो लाइक कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि आगे भी बहुत मेहनत करना बाकी है। धूप बहुत तेज है, सिर्फ आप लोग के लिए बाहर निकले हैं क्योंकि हाँ। तो ये हमारे दोस्त हैं, मैंने सामान लिया है, ये रहा सामान। तो गाइस अभी आप सोच रहे हो ये मैंने चेहरे पर क्या लगा लिया, ये मैंने लगाया है मुल्तानी मिट्टी। और मैंने देखा कि अभी 1 घंटा समय है मेरे पास, तो कुछ थोड़ा सा साइड में रखते हैं और थोड़ा सा ये भी दिखा देते हैं कि मैंने लगाया है अभी मुल्तानी मिट्टी, और अभी हम इसे रब करेंगे चेहरे पर और फिर धुल लेंगे। मैंने आपसे बोला था ना कि घर पे रहो, लॉकडाउन में हो तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, ताकि हम लोग को भी कुछ सीखने को मिले और एक्सपीरियंस होता रहे। हाँ गाइस, और मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसलिए, क्योंकि जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रहें, और अपनी फैमिली में भी लोग हैं सारे लोगों को सब्सक्राइब करा के अपनी फैमिली में ऐड करा दें, ताकि हम लोग की फैमिली बहुत बड़ी हो सके और हम बहुत ही ऐसी क्रिएटिविटी दिखाएं जो आप सभी लोगों को पसंद आए। तो गाइस गोना कॉफ़ी बनने की तैयारी हो चुकी है, हमारे पास आ चुकी है कॉफ़ी, और ये बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच टी, 1 चम्मच 2 चम्मच कॉफ़ी, और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुगर। तो गाइस अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है, इलेक्ट्रिक विस्कर नहीं है जिससे मैं इसे घोल सकूं, तो हम अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे इसे घोलने में, घोलेंगे तब तक जब तक ये क्रीमी ना बन जाए। तो गाइस पहले मैं इसे क्रीमी बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मेरी बहन ने ये विस्क छुपा के रखा, बता विस्कर, तो मैंने जब पूछा इसे तब धीरे से ला के मुझे दे रही कि लो इससे करो। तो गाइस अगर आपके पास ये हो तो आप इससे भी मिक्स कर सकते हो इसे, ये देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो और मतलब ऐसे। तो गाइस बॉल में दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसे कप में ले लिया है, और मैं इसे कप में घोलूंगा, कप में काफी आसानी से घुल रहा है ये। तो गाइस कुछ इस तरह से दिखने लगेगी, दिखाने के चक्कर में आप लोगों को थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये अयान का डायलॉग SR के कॉपी किया। गाइस मेरी बहन हमसे जबरदस्ती क्रेडिट लेना चाह रही है, सारा काम कर रहे हैं हम, और हम क्रेडिट वो लेना चाह रही है, कह रही है कि मेरा तारीफ करो। दिमाग है इसलिए, तुम्हारा दिमाग नहीं है, आइडिया हम नहीं है तुमको कैसे क्या करना है। तो आइडिया 100 में से 90% मेरा आइडिया था, ठीक है 10% तुम्हारा आइडिया था। तुम
अभी अभी एक हमको हमेशा चुराना। इधर देखो ये गाइस लगभग लगभग ऑलमोस्ट मेरी कॉफी एकदम क्रीमी बन चुकी है, क्रीमी। आगे का प्रोसेस बताते हैं आप लोगों को। तो गाइस ये हमारा सारा सामान तैयार हो चुका है, सारा चीज, सारा आइटम दिखा दूं। ये है ये मिल्क, ये कॉफी पाउडर, कॉफी क्रीम, और इसी रहा हमारे पास ग्लास। थोड़ा दूर करो, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे, आप पहले अपने हिसाब से आइस क्यूब डाल लें, तीन ही डालते हैं क्योंकि चार डालूंगा तो भर जाएगा। और इसमें हम डालेंगे मिल्क 3/4, ये हमारा 3/4 मिल्क, एंड इसमें है आइस क्यूब। और अब डालेंगे ऊपर जो हम लोगों ने क्रीम बनाया था कॉफी का, वो आप देख सकते हो ये पूरा कितना क्रीमी बन चुका है। तो इसके अब इसके ऊपर हल्का हल्का मिला, हमारी बन चुकी है डालगोना कॉफी, आप देख सकते हो। मैं बताता हूँ पी के हल्का सा। तो गाइस ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग भी इसे घर पे बनाने की ट्राई करना, और बहुत ही टेस्टी बनी है माशाल्लाह। तो और बस आज के लिए इतना ही था, अभी इसे डालेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। और बस तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अभी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत सारा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मैं जिस तरह पिछली वीडियो में आप लोगों ने मेरे वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, इस बार भी अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए। और इस बार की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबक है, बाय बाय। बताता हूँ मैंने अपना जो जुगाड़ लगाया था स्टैंड करने वाला सेल्फी स्टिक को, वो ये रहा।